और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। बाजीगर मैं बाजीगर, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक फ्रेंड के साथ। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो बस गुजारा कर लेना कमेंट्री का, मैं बाकी अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। अर्ज़ किया है, सस्ती शायरी हो जाए। अर्ज़ किया है कि जब मुझे लगेगी प्यास मैं पानी पीने जाऊँगा। वाह 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 वाह, सस्ती शायरी में अर्ज़ किया मतलब कि जब मुझे लगेगी प्यास मैं पानी पीने जाऊंगा। जैसे दोस्त पूछेगा कहाँ है बॉट, मैं कहूँगा मैं नहीं बताऊँगा। सस्ती शायरी विद नॉनी मस बाबा जी। बस कुछ सोच नहीं रहा था तो फिर जो सूझा बोल दिया। तो गेम प्ले की तरफ चलते हैं। सोलो स्क्वाड खेल रहे थे हम और अच्छी लॉबी थी, यूरोप सर्वर था और हॉट ड्रॉप सिर्फ बन रहा था हमारा ससुराल। नहीं, अब हमारा ससुराल नहीं है, वो जॉर्ज पूल मतलब लाहौर। रीवा किंग भैया का प्लेन था गाइस। और बाकी आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो ना, इतना सपोर्ट दिखा रहे हो, हम लोग बहुत जल्दी 6 लाख फैमिली होने वाली है बाबा जी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तक गिनतों में सारे मिलके बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, क्योंकि आप सबकी मेहनत है, मेरे साथ साथ मेरी मेहनत है और आप सबकी भी मेहनत है, तो सब मिलके बोलेंगे 1 2 3 अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मेहनत, इतनी मेहनत की हम लोगों ने, लाइक आप लोगों के लाइक्स और मेरी डेली की वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक कर रहे हैं। अभी गाइस सच में बोलूँ, मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मैं स्टिल बैठ के एडिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेली अपलोड करना है, मजबूरी भी है ना अपलोड करना, तो फिर इसलिए। और फिर इसके बाद मैं चाय बना के पीऊँगा तो थोड़ा मेरा सर दर्द बेटर हो जाएगा। बाबा जी उठाई हमने अपनी गधा गाड़ी, जॉर्जिया में कोई नहीं आया था, एक बॉट भैया आया था, उनको मारने के बाद ना गाइस अपार्टमेंट आते हैं, यहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही होती है, वो यहाँ दो दो मामे हीट दे, एक ऊपर से जंप कर देता है। आइए सर जी आइए। नहीं नहीं, हमने तो जैसे आपको देखा ही, हम तो पागल हैं भाई, हम तो पिंडी बॉय हैं, हम पागल हैं ना, पिंडी बॉय दूर से देख लेता, पुलिस आ रही है नहीं आ रही, पिंडी बॉय की नज़र इतनी तेज़ होती हैं, फिर हम आपको कैसे नहीं देख सकते। हाँ समटाइम मैं नहीं देख पाता है, नहीं आई नो, फिर आप लोग बता रहे होते हो अनॉनिमस भैया 16:10 पे बंदा था, फिर इसका आखिरी बंदा होता है गाइस, मैं नेट करने के लिए ऊपर आ जाता हूँ, और एक नेट बुक कर रहा था, मुझे डायरेक्ट नहीं जाना था। होप सो इस नेट से कुछ डैमेज हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर बंदे हाँ TPP ले रहे होते हैं, और ये भी ले रहा था गाइस, देखना भी भागेगा, वो भागा जैसे इसने देखा ना नेट है, और ये मार सकता था लाइक, और जैसे ही फिर नेट फटा ये बंदा नीचे जंप कर देगा, और फिर हम भी नीचे जंप कर देंगे। बाबा जी एनिमीज आखिर कब तक खैर मनाएगी, कभी तो अनॉनिमस के AKM के आगे आएगी, तो इसलिए टेंशन नहीं लेते, बूस्ट मारेंगे, देख ही जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा बाबा जी। तो हम स्मोक कर रहे थे एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए, और वो कंफ्यूज हो भी गया, निकल के ऐसे बाहर भागा ना नेट समझ के, पीछे से बग्गी भी आ जाती है, अलग टीम थी बग्गी वाली, तो ये बेचारा ना शायद रैंक पुश कर रहा था और डर के भाग रहा था गाइज, तो हमने इसको मारा, और अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है बग्गी वाले कहाँ गए। पहले मुझे लगा कि बग्गी वाले भाग गए, बट बग्गी वाले भागे नहीं थे, वो मुझे लगा शायद इस बिल्डिंग के पीछे रुके हों, बट वो ऊपर रुके थे रिज पे, और उन्होंने ऐसे ही मेरे पिछवाड़े पे गोलियां मारी, भाई ज़िंदगी खतरे में आ गई हमारी बाबा जी। फिर हम भग के ऊपर आए, यहाँ पे बैंडेज वैंडेज लगाएंगे, और अपने पिछवाड़े पे जो डैमेज हुआ उसको भरने के बाद हम यहाँ पे एनिमीज को मारने के लिए। यार ये बंदा बग्गी लेके अपने टीममेट को ला के रश कर रहा था, और मेरा ये 4x भी बहुत हिल रहा है क्योंकि स्नैपिंग के लिए नहीं है ये, स्प्रे के लिए था। तो यहाँ बॉडी शॉट लगा, उसके बाद मेरा ADS नहीं खुला, और मैं ऐसी बस एक दो गोली मार दी, और फिर मैं नीचे कर देता हूँ जंप क्योंकि वो बंदे लो हैं। गाइज अभी ना लाइक मैं आपको बताता हूँ एम असिस्ट के बारे में कि वो क्या होता है। आप अगर सेटिंग ओपन करोगे ना, सबसे टॉप पे ऑप्शन आता है एम असिस्ट, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि वो क्या है। अगर आप रूम बनाते हो ना, सही है, और रूम बना के ना लूट करो, एक बंदा सिर्फ, दूसरा बंदा ऐसे सिंपल खड़ा हो जाए बिना लूट के सामने, दोनों एनिमीज होने चाहिए ठीक है, मतलब अलग अलग सोलो सोलो जाओ, एक बंदा सिंपल खड़ा हो जाए
और दूसरा बंदा बिल्कुल बंदे के साइड में लाइक कान के पास फायरिंग करे और स्क्रीन को मूव ना करे, तो अगर आपका एम असिस्ट ऑन होगा ना तो आपकी गोलियाँ ना कान के पास से लगने के बजाय बंदे पे खुद ब खुद लगने लग जाएंगी, लाइक एम आपको खुद ब खुद बंदों पे आ जाएगा। तो पबजी वालों ने ना आप लोग के हेल्प के लिए ये ऑप्शन बनाया होता है एम असिस्ट, तो लाइक ये काफ़ी हेल्प करता है। आप लोग चेक कर लिया करो कि किसी का ऑफ तो नहीं है, सबका ऑन होगा ना तो फिर आप लोग अच्छे से लाइक एनिमीज़ को मार पाओगे। तो एम असिस्ट ये होता है, एम असिस्ट। मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोग को ऑन करके भी दिखाऊंगा, वैसे तो आप सबको पता होगा। तो गाइस उसके बाद मैंने बहुत सिटीज़ ढूंढी, कोई बंदा मिला नहीं। और फिर सारी फेमस सिटीज़ के बाद हम लोग आ गए थे लाड़काना, लाड़काना आ गए थे हम लोग, लिपोफ का मतलब। और यहाँ पे ना लूटेड था, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि फाइनली मुझे बंदे मिलेंगे और यहाँ पे ना बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। बाबा जी अब ये बंदा गाइस यहाँ पे लूट रहा था और इसकी टीम शायद से मेल्टा पावर लूट रही थी। और अभी मैं एक वीडियो बना के टिकटॉक इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, जहाँ जहाँ जो जो हमने सिटीज़ के नाम रखे ना वो उस वीडियो में ऊपर मेंशन होंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं भी इसका साउंड ले रहा था, ये कहाँ जा रहा था, ये राइट से रश कर रहा था मेरे लेफ्ट से, सॉरी। यहाँ पर मैंने इसको नॉक किया और ये अब नॉक होकर अपने टीममेट को बुलाएगा। हाजा कम नहीं, थोड़ी अरबी बोले, हाजा कम जल्दी उन हिज मारिंग मी उन ऑन माई पिछवाड़ा गोली उन यस उन कमिंग उन बचाइंग उन। बट ऐसा कुछ होता नहीं है भैया, हमारे फिनिश हो जाते हैं। अभी मुझे नहीं पता था इसके टीममेट कहाँ है, तो मैं एक स्मोक करता हूँ, जान जिंदगी खतरे में नहीं डाल देना बाबा जी। तो एक स्मोक करके हम लोग यहाँ पे इसके लूट करेंगे। इस देर में इनकी गाड़ी आ जाती है और वॉल पे बैठने मेरे लिए ठीक नहीं था, तो मैं वापस से वेयरहाउस आ जाता हूँ। और सब के सब तीन बंदे थे, ये रुक गए रेड हाउस में। अब आप देखोगे कि कम कैसे हम अकल इस्तेमाल करके, अच्छा इनके पास गैस ड्रॉप की वेपन्स हैं, ग्रोज़ा है, ऑम है, तो एकदम ठंडे दिमाग से खेलेंगे। टीपीपी ले रहा था मैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, और क्योंकि ये लोग रश नहीं करेंगे, रश मुझे ही करना पड़ेगा नॉक करके। आपने देखा कैसे उन्होंने स्मोक कर दिया व्यू ब्लॉक करने के लिए, बट उनका भी व्यू ब्लॉक हो गया था लॉल। और फिर मैं ऐसे ही रैंडम नेट फेंका और बाबा जी क्या तो नेट फटा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा नेट था। और फिर मैं डायरेक्ट नहीं घुसना जाता था क्योंकि तीन बंदे थे, दो एक बंदा रिवाइव भी दे रहा होगा, तो एक तो सही बैठा होगा ना, तो हमने कहा जितने हमारे पास नेट है ना तीन और, तो तीन और नेट बरसाते हैं। ये वाला कुछ ज़्यादा ही कुक हो गया था, हवा में जाते जाते ब्लास्ट हो गया। बट दो नेट और बचे थे, एक नेट हमने ज़्यादा करी, उसने भी नेट किया था बट अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बच गए, अच्छा नेट था। और ये भैया फटेंगे, बूम, भागते कहाँ हैं सर आप। और फिर हम जहाँ पे रिवाइव के लिए जा सकते हैं वहाँ एक नेड फेंकेंगे, और वहाँ पर नेड ख़त्म है बाबा जी तो हम करेंगे रश। बाबा जी ऐसे कैसे, तो गाइस हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। फिर यहाँ पे हमें हमारी पहली मोहब्बत AWM मिल गई बाबा जी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर हम मजे से करेंगे यहाँ पे लूट। तो अपनी गधा गाड़ी उठा के मेंशन की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पे ना लेके गाड़ी नज़र आती है और मैं यहीं पे रोक देता हूँ, जो कि मेरा गलत स्टेप था। बट फिर मैं उसको मारने जाता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था कितने बंदे, मैं वापस स्क्वाड अनोनिमस हाउस में भाग जाता हूँ ऊपर। और यहाँ पे फिर हम एक स्मोक करेंगे बूस्ट, क्योंकि हमें मारना है एडलिन मारनी है, क्योंकि रश हो सकता है, तो एक बूस्टअप होना पड़ेगा। और ये बंदा दो हो गए थे अभी, ये तो इतना तो कन्फर्म था कि ये दो बंदे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते थे। तो उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि जैसे ऊपर मारूं, बट ये लोग ऊपर आ नहीं रहे थे, नेड कर रहे थे बेचारे के हाथ में नेड था, मैंने यहाँ पे उसको काफ़ी लो किया और अब मेरे पास नेड भी नहीं बचे थे। तो यहाँ पे दो क्रेट्स पड़ी थी पहले से, और इन क्रेट्स में मुझे मिल गए नेड, तो बहुत अच्छी बात थी। फिर हमने नेड निकाले
और बरसात शुरू कर दी कि जितना इनको लो कर सकता हूँ करूँ या जितना नॉक कर सकता हूँ करूँ। फिर देखो मैं हर एंगल से नेट फेंक रहा था गाइस कि कहीं से तो डैमेज पड़ेगा और कहीं से तो मुझे हेल्प मिलेगी। तो मेरे पास जितने नेट थे मैं ऐसे कर दिए और उसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है जंप करके मारना। बाबा जंप करके इन दोनों किया फिनिश और अब इनकी करेंगे लूट मज़े से। अच्छा गाइस जितनी अच्छी भी लूट हो ना, देखो मेरे पास क्या क्या नहीं है, ग्रोजा ओम हर चीज़ है, फिर भी क्रेट से लूट करना, बस चेक करना ओपन के एक क्रेट में है क्या। मतलब ये आदत अगर आप में भी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी तो बहुत ही गंदी आदत है ये। अब जोन बन गया था, गाड़ी में स्लो लेके जा रहा था, अब गाइस ऊपर था जोन और यहाँ जो होगा ना वो नेक्स्ट लेवल है। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, देख लो बस, मैं अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। मैं भी मर गया, साथ में वो बंदे भी मर गए। कुछ गाड़ी डैमेज लाइक फंस के, कुछ एनिमी ने गोलियां मार दी और कुछ मैं उस बंदे को मारते हुए मेरी दो चार गोलियां लगी, गाड़ी फट गई और वो भी मर गए, मैं भी मर गया। इतने अच्छे गेम प्ले का कबाड़ा हो गया और ये तो एक था, मतलब दिन में ना पता नहीं कितनी बार ऐसे कबाड़ा होता है मेरी गेम प्ले का। समटाइम कार फाइट में मर जाऊँगा, समटाइम कुछ सोलो स्क्वाड गाइस बहुत मुश्किल होता है। और मैं सच बताऊँ लाइक पता नहीं मैं कैसे बस आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बना लेता हूँ, मुझे नहीं पता, बट अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत आ जाती है इतनी कि मैं आप लोगों के लिए बना लूँ और फिर बन जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे ही इंशाल्लाह मैं मेहनत करता रहूँगा और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना। एक नॉक किया था गाइस ऊपर वाले फ्लोर पर और अब नीचे दूसरा नॉक था इनका। अब इनका आखिरी बंदा आ रहा था सामने, वो नज़र आया मुझे जब मैं ऊपर जा रहा था साइड से, तो अभी इसने मुझे अच्छा स्प्रे दिया और जैसे ही मतलब मुझे लगा ना कि इसका एम मुझ पर अच्छा हो गया, मैं क्राउच भी कर गया साथ में, ये होता है सिक्स फिंगर का कमाल, और फिर मैं उसको नॉक किया बाबा जी। अब यहाँ पे अलग स्क्वाड था गाइस, तो मार्क किया साइलेंट ने, जुबी ने, ये लोग आगे थे कि वहाँ पे बंदा नज़र आया, तो मैं आगे रश कर रहा था क्योंकि मुझे किल चाहिए थे, तो मैं ज़्यादा आगे जा रहा था बार बार। ये बंदा यहाँ पे सांप बन जाता है और अचानक से मुझे नज़र आता है, वो देखो अले 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 मिले बाबू मिले छोना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। और फिर देखो मेरे टीममेट कैसे अपना डैमेज ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बूस्ट मार रहे थे कैसे भी इनके और भी बंदे थे। और इसके बाद हम लोगों ने आगे की तरफ रश किया जहाँ इनके बाकी बंदे थे। गैस बस के पीछे बंदा लेट जाता है जाके, मैं ना लाइक काफ़ी छोटा गेम प्ले करने का ट्राई कर रहा हूँ कि जितना छोटी वीडियो हो जाए आपके लिए उतनी ठीक है। और उसको नेट उस वो नेट से बच गया था, फिर मैं आगे रश करता हूँ। गैस खुद बताओ वो वाला किल मेरा था या नहीं, कितना डैमेज दिया उसको, बट किल चुराना है भाई अपने टीममेट्स ने, हमारे साइलेंट ने। साइलेंट क्या बोले साइलेंट को, बंदा देखो नॉक हो गया फ़ौरन इसको। गाइस इनका आखिरी बंदा बचा था, उसने वहाँ से कहीं से नॉक किया, नज़र नहीं आया, फ़ौरन से मैंने रिवाइव दिया साइलेंट को और अब वो बंदा यहाँ पर आ जाता तो बॉट को मार रहा होता है। और फिर मैं रेस्ट कर देता हूँ। बाबा जी काफ़ी लो है बाबा जी। फिर गाइस देखो यहाँ पे आपके उंगलियों का कमाल होना चाहिए, देखो टैप 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 उठा लो लूट टीममेट को नहीं देनी। फिर गाइस इतनी दूर से तो गाड़ी मिली और फिर गाड़ी लेके मैं यहाँ पर आया, यहाँ एक बंदा बैठा था ड्रॉप के पास और मैं इतना लो किया दूर से, हमारे पाकिस्तानी भैया ने इसको मार दिया। अभी पाकिस्तानी भैया अकेले सोलो स्क्वाड खेल रहे थे, पता नहीं अकेले घूम रहे थे यहाँ पे। हम लोग फंस जाते हैं, फिर मैं स्मोक्स फेंकने लग जाता हूँ और साइलेंट को नॉक करते हैं भाई, तो हम फन से देंगे रिवाइव और दो तीन स्मोक करूँगा कि हम लोग गाड़ी में गेट इन कर सकें। और फिर मैं बोला अगर वो लेफ्ट पे है ना तो हम लोग ना घूम के ना राइट साइड वेयर हाउस वाली साइड जाएंगे, तो हमने कोर स्मोक की यहाँ पे। उसके बाद बैठे हम लोग अपनी घर गाड़ी में, अब हम रोटेट करके वेयर हाउस वाली साइड पर जाएंगे। और गाइस अभी इस गेम प्ले में आगे जाके इतने मज़े मज़े के सीन आने वाले हैं ना, तो आप लोग ज़रूर देखना एंड तक। और फिर हम रोटेट करके वेयरहाउस में, अगर वो भाई भी वेयरहाउस में आगे टीपी पे लेने लग जाएंगे और एकदम से लाइक उनको लगा कि पहले कि उन्होंने ठीक किया, वो ना शायद बचने के लिए आ रहे थे, गाड़ी पे आ रहे थे जाने के लिए, तो ये भाई अपना साउंड भी नहीं दे रहे थे। मैं बताऊँ यहाँ पर हुआ क्या गाइस, इनको लगा कि हम लोग गाड़ी लेके निकलेंगे, तो उन्होंने क्या किया रोड क्रॉस की, अपनी गाड़ी लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे ये वाली, लेकिन अचानक से हम लोग इनके सामने आ गए, इनके साथ प्रैंक हो गया। फिर हमने गाइस अपनी गाड़ी उठाई और मैं जाके ना उस ड्रॉप से ऑम उठाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया था उस बंदे को मारते हुए कि उसके पिछवाड़े पे ऑम लटकी हुई है। अपनी पहली मोहब्बत हम मैंने यहाँ पे उठाई आके, और यहाँ पे मेरी कार फाइट होती है, सोलो बंदा था ये। फिर मैं
ट्राई करता हूँ कि इसको स्नाइपर से मारूं, और फिर इस भाई को स्नाइपर से नॉक करते हैं और फिनिश करेंगे। और गैस जो मेरी टीम होती है ना, फिर मैं उल्टे काम ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नॉक हो जाऊँगा तो रिवाइव हो जाऊँगा, तो इसलिए ना मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ। आगे भी करूँगा, देखना ओम से कितना प्यारा किल निकलेगा आगे। अब यहाँ पे गैस कोई शॉट्स ले रहा था हम पे, इसने जब देखा कि मैं लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो फिर उनसे बोर्ड से ना नीचे जंप कर दिया। फिर मैं जूबी साइलेंट को बोला भैया आप उसको मारो, और एक पेड़ से स्नाइपिंग कर रहा था M24 से, तो मैंने कहा भाई स्नाइपर वाले को मैं मारता हूँ। साइलेंट को नॉक किया, और मेरे को अच्छा एंगल नहीं था। उई गज कौन के पास से गई थी, उसको आवाज़ आई होगी, शोर ऐसे करके आवाज़ आई होगी। अब उस भाई के पाँव पे गोली लगी, लेकिन वो कवर में जा चुके थे। फिर हम अपनी पहली मोहब्बत ओम निकालेंगे, और गज देखना उसका हेड कितना छोटा सा नज़र आएगा। बॉडी आ रही थी बट मैं बॉडी शॉट नहीं मारा, वो कवर में जाके हील कर लेगा, बट मैं हेड का वेट कर रहा था, और देखना हेड नज़र आएगा ज़रा सा। वो देखो गाइस जरा सा नजर आया, बाबा जी हल्का सा नजर आया, यहाँ पे नॉक किया बेचारा, इसके टीममेट शायद दूर थे तो ये ओपन में आ जाएगा कि भाई मुझे फिनिश कर दो। फिर मेरे टीममेट देखो फिर किल उठाने के लिए फिनिश करेंगे, कैसे नूबड़े किल डैमेज नहीं लाइक डैमेज ज़्यादा करते रहते हैं MVP आने के लिए ना। और फिर जोन आ रहा था गाइस, हम लोग बैठेंगे अपनी मेहरान गड्डी में और यहाँ से भगेंगे जोन की तरफ, और गाइस आगे बड़े मज़े किल आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में ना वो बंदे बचते हैं जो रैंक पुश कर रहे होते हैं, और अब यहाँ से उनकी कहानी शुरू होगी। जो पाकिस्तानी भी थे हमारे भाई लोग रैंक पुश कर रहे थे इसके लिए, और भी काफ़ी स्क्वाड थे जो रैंक पुश कर रहे थे इसके लिए, वो एंड में मिलते हैं। लाइक डरे हुए स्क्वाड होते हैं ना वो सीन। और फिर गाइस हमने यहाँ पे ना नेट की बारिश कर दी पिछवाड़े में, अपने एनोनिमस हाउस में नेट की बरसात कर दी, और एक बंदा नेट से साइलेंट नॉक करेगा और एक बंदा ना नीचे जंप कर देगा। आई गेस वो फीमेल प्लेयर थी तो हमें पता नहीं था, और फिर हम लाइक मैं ना पैन से मारने चला जाऊँगा। ऊपर रश करने के जाते हैं बट साउंड आता है, नीचे जंप किया, पहले मैं ओम से मारता हूँ, मिस हो जाता है। और मैं पैन से नॉक कर देता हूँ। सॉरी अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो बट ऐसे बस फन के लिए ना, लाइक पता नहीं था ना, और ऐसे ही जब देखा कि लाइक डरे हुए काफ़ी तो मैं पैन से मार दिया। और फिर ऊपर गाइस ये वाला भी रैंक पुश वाला स्क्वाड बैठा था, पाकिस्तानी था आई गेस ये, और दो के हेड नजर आया तो मैंने दोनों एक कान के नीचे लगाया। उसके बाद मेरी हेल्थ कम थी बट मैं बोला चलो रश करते हैं, और फिर हमने जंप की अपनी गधा गाड़ी की तरफ, और जूबी को बोला भाई ड्राइव कर ताकि मैं एक आधा बैंडेज लगा लूँ, मेरी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। फिर हम कर देते हैं बाबा जी ऊपर रश। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी से बैठे बैठे हमने यहाँ पे किल निकाले और इनकी करेंगे मज़े से लूट। उसके बाद गैस जोन आ रहा था तो हमने दोबारा से अपनी गधा गाड़ी उठाई, और अब जाएंगे सामने वाली साइड पे, और यहाँ पे जाके ना गैस अभी देखने यहाँ पे साउंड आ रहा लेको मार्क आता है कि ना ये स्नाइपर टावर से गोलियाँ चल रही हैं। यहाँ वाला किल मैं बता रहा हूँ टिकटॉक पर इंशाल्लाह वायरल जाएगा, जो मैं इंस्टाग्राम पर भी डालूंगा, और आप टिकटॉक इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर लेना। गैस नेट निकाला, ऊपर बंदा बैठा था, दोनों साइड पर नेट कर दिया। अब दोनों साइड पर नेट करेंगे ना वो नीचे जंप करेगा, और देखना क्या होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो ठोकना पड़ेगा। ये देखो गाइस लाइक मैं बताऊँ क्या कर रहा था, नेड करके ना ऊपर ओम से मारने जा रहा था, और जाते जाते वो बंदा ऊपर से नीचे जंप कर गया, उसका मैं हेडशॉट मार दिया। लॉल मतलब लग गया, वैसे तुक्का लग गया, चलो फिर भी गाइस। और इस वीडियो का लाइक से हम दोबारा से 40,000 रखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा बट प्लीज़ 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 40,000 लाइक्स कर देना, सबके सब लाइक बटन ठोक देना। और गाइस ऊपर अब बंदे थे, यहाँ से किसी ने ग्रोज़र चलाई थी तो हम रश करने के लिए आ जाते हैं। अभी पाकिस्तानी स्क्वाड बैठा था पूरा, और इसने ऑलमोस्ट हमें मार दिया था। अब ये पहले बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक किया, फिर मैं यहाँ पे दूसरे बंदे को नॉक किया, साइलेंट नॉक है, जूबी नॉक है सॉरी, और ये तीसरे बंदे ने काफ़ी अच्छा लाइक डैमेज दिया और अच्छे से नॉक किया। अब हमारे दो नॉक थे, मैंने दो नॉक रखे थे, एक बंदा साइलेंट ने नॉक कर दिया था, तो इनके तीन नॉक थे, हमारे दो नॉक थे, और अब आखिरी बंदा बचा वो पीछे आके सांप बन गया, और जैसे साइलेंट को मारता है साइलेंट स्पॉट करके फिनिश करेगा और हम दोनों को मिल जाएगा रिवाइव। और यहाँ पे हमारी हालत थी, प्लीज़ भाई नेट कर रिवाइव कर दे, नेट आ जाएगा हम मर जाएंगे, ज़िंदगी खतरे में आई हुई थी। और फ़ौरन से जैसे मैं रिवाइव हुआ ना मैं यहाँ से उठ के भागा, क्योंकि एक नेड और तीनों फट जाते। फिर मैं स्मोक में आके लेट गया, और अभी बाकी के जो बंदे बचे ना कैसे हम उनको भी पैन वैन करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा देखना ज़रूर। फिर हमने यहाँ पे मेडकिट लगाई अपनी हेल्थ पूरी करने के लिए, और फिर फैसला किया कि भाई जितने बंदे बचेंगे ना उनको नेड वेट से मारेंगे। अब नेड आ रहे थे, और नेड गाइस ऐसे एंगल से आ रहे थे कि बंदे ना उसी साइड हो सकते थे, मैं यहाँ पे आया सिर्फ क्रेड लूटने के लिए। और उसके बाद गाइस हम लोग जाएंगे सामने की तरफ जहाँ से नेड आ रहे थे, और ये लोग आगे थे तो इनको पहले स्पॉट हो जाएंगे बंदे, मैं तो पीछे रह गया था।
तो के वहाँ पे बंदा स्पॉट किया उन्होंने, और फिर कहा पैन से मारेंगे, तो हमने पैन निकाल लिया। मैं आगे जाता हूँ बट मुझे किल नहीं मिलता। ये भाई भी हमारे रैंक पुश वाले हैं, काफ़ी डरे हुए थे, और एक किल साइलेंट को मिल जाता है। अब दूसरा बंदा भी इन लोगों ने स्पॉट किया था, क्योंकि वो दूसरी साइड था और मैं दूसरी साइड ढूंढ रहा था, तो दूर से स्पॉट हो जाता है, लाइक दूर से ना वो नहीं होता, रेंडर नहीं होता। अच्छा, उसने शॉट्स मार के अपनी पोजीशन रिवील की और जुबी ने उसको स्पॉट किया। जुबी ने फिर मार्क कर दिया कि वो उस साइड से मार रहा है, लेकिन उसने मुझे काफ़ी गंदा डैमेज दिया था, और अच्छा मार रहा था ये बंदा, लाइक पहले वाले प्लेयर की तरह नहीं था। वो देखो गाइस सामने नज़र आ रहा होता है। फिर हम लोग स्मोक्स की ना बस बरसात कर देते हैं, जितना ज़्यादा स्मोक कर सकें। हमने यहाँ पे स्मोक फेंकना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर मैं ना FPP स्विच कर लिया कि FPP स्विच करके मारूंगा और मार दूंगा। लाइक FPP में मैं फिर भी रह जाता हूँ, क्योंकि स्मोक में अच्छे से नज़र आता है। FPP में मैं मार रहा था, पता नहीं ये लग क्यों नहीं रहा था उसको पैन, और उसने भाई अपना बकरा बना दिया। बट साइलेंट ने इसको भी पैन मार दिया, और साइलेंट इतना खुश हुआ ना, ये मेरा पैन वाला मिशन हो गया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट ज़रूर बताना। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना, और इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर देना। गाइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप सर्च कर सकते हो @theanonymousxd। अपना बहुत सारा ख्याल रखना गाइस, कोशिश करना नमाज़ कायम करो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अल्लाह हाफिज़।